लास्ट बार चेक को देख लो कि अब जो उसके स्टिकर्स वगैरह है ये सब हम रिमूव करने वाले हैं। जो ये मिरर है यार, इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा, इसके लिए हमें इसे विंडशील्ड निकालनी पड़ी। तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइज कैसे हैं आप लोग? तो यार जैसा कि मैंने कहा था कि अब इस पर मोटिवेशन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो बस ये समझ लो ये उसी का एक पार्ट है। जो मैंने इंस्टा पे पोल डाला था उसमें भी ज़्यादा पॉइंट जेक के थे और कमेंट बॉक्स में थोड़ा सार्गो का था ज़्यादा, पर ये कि गाइज जेक मुझे ज़्यादा पसंद आया तो फाइनली मैंने इसका नाम जेक रख दिया है। तो आज हम इसे जेक ही बुलाएंगे। आज हम कराने वाले इसके जो स्टिकर्स वगैरह हैं, ये R15 वगैरह, ये सब हम उतार देंगे और इसको मैट ब्लैक कर देंगे, पूरी ब्लैक। तो आज ये मॉड होने वाला है और थोड़ा बहुत इसका मतलब नाम के स्टिकर और अपना यूट्यूब स्टिकर वगैरह हम लगाएंगे। तो बस वही सब काम कराने जा रहा हूँ आज, ज़्यादा हैवी कुछ काम नहीं होगा, बस शुरुआत है आज से। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं भैया के शॉप में और ये है शॉप जहाँ से मैं पहले भी बाइक का मैं काम कराया, यहीं से कराता हूँ मैं मॉडिफिकेशन वगैरह। तो मतलब काफ़ी अच्छी बातचीत है भाई के साथ और भाई बहुत अच्छा काम करता है एकदम बढ़िया करके। तो लास्ट बार चेक को देख लो क्योंकि अब जो उसके स्टिकर्स वगैरह है ये सब हम रिमूव करने वाले हैं। तो जो भी ये वीवी वगैरह R15 ये सब मॉन्स्टर वगैरह ये सब हम उतारने वाले हैं। तो उसके बाद कुछ नए स्टिकर्स इसमें लगाएंगे इसका नाम और यूट्यूब वगैरह के। तो चलिए उतारते हैं इसके स्टिकर। ये है हीटर और इससे थोड़ा मतलब जो ये स्टिकर वगैरह है ये सब निकालने में आसानी होती है, तो इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे क्योंकि इससे फिर जो स्टिकर आराम से छूट जाएगा। तो भाई इसमें जो गम वगैरह रहेगा स्टिकर का वो आप पेट्रोल से निकाल लेना, इसमें पेट्रोल लगा रखा भाई ने कपड़े में, तो पेट्रोल से आप जब करोगे तो उसके बाद एकदम प्लेन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, जो स्टिकर वगैरह की आउटलाइन वो सब हट जाएंगी, तो आप इसके बाद पेट्रोल से साफ़ कर लेना इसे। तो यार गाइस अभी जो स्टिकर वगैरह हमें रिमूव करने थे वो हमने कर चुके हैं और जो ये मिरर है यार इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है और मिरर की मुझे आदत भी नहीं, मैंने पहले ड्यूक में भी निकाले हुए थे, तो अभी हम इसमें भी निकालने वाले हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं पहले, इसमें 5 नंबर की एलन की लगती है। तो अभी इसके स्क्रू हम वापस से लगा देंगे। तो गाइस कुछ ऐसा लुक आ रहा है बिना मिरर के, और एक बार पीछे से भी देख लो आप, तो काफ़ी खाली खाली से लग रही है और यहाँ से दोबारा अंदर क्या बैठ रहा है। तो चलिए थोड़ा बहुत स्टिकर का काम वो कराते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको ओवरऑल पूरा लुक। तो अभी गाइस अपने नाम का स्टिकर लग रहा है यहाँ पर। तो गाइस हम बना रहे थे इसके अंदर एक स्टिकर, तो उसके लिए हमें इस विंडशील्ड निकालनी पड़ी क्योंकि वो अंदर की साइड से था कर्व था तो वहाँ स्टिकर लग नहीं पा रहा ढंग से, तो अभी हमने विंडशील्ड निकाल दिया। तो अभी इस विंडशील्ड को वापस लगा लेंगे और एक बार एंगल चेक करेंगे कैसा लग रहा है स्टिकर, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जैसे राम का स्टिकर कैसा लगा। तो गाइस अभी हमने सारा काम करा लिया है, जो हमें स्टिकर वगैरह करानी थी और जो स्टिकर वगैरह रिमूव करने थे वो भी काम हो गया। तो एक बार मैं आपको पूरी गाड़ी का ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ और फिर बताना आप कि आपको कैसा लगा। तो चलिए कुछ सिनेमेटिक मैं डाल रहा हूँ, आप वो चेक कर लीजिए। तो गाइस हमने यहाँ पर मीटर में भी लिखाया और यहाँ पर जय श्री राम भी लिखाया है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ
कि श्रीराम कैसा लग रहा है स्टिकर, आपको पसंद आया? और इसी बात पे एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। जैसे माइलेज टेस्ट के ऊपर या और कोई रिव्यू वगैरह चाहिए होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, उस टाइप के ब्लॉग आ जाएंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।